है। आज 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है, तो इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं जी ऊपर वोट डालने। जा रही है जी वोटिंग। आर्मी शार्मी है ना, ठीक हो गया, काफी रश है भाई, पास जाओ। वोटिंग शोटिंग जा रही है, चेक करो जी, बच गए हैं हम इलेक्शन। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, से तबीयत आपकी सेट होगी। आज का सीन यूँ है, आज है जी 8 फरवरी। पिछले व्लॉग तो आपने चेक किए होंगे, काफ़ी अच्छी स्पोर्ट आपने यार, मुझे बहुत मज़ा आया। आज 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है, तो इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं जी ऊपर वोट डालने। बाकी जो आज की रूटीन बनने वाली है, वोट और इलेक्शन क्या बनता है, क्या सीन होता है, कौन जीता है कौन हारता है, तो आप वो यार चेक कराएंगे इंशाल्लाह। रिजल्ट हमारे इलाके का तो तकरीबन रात को निकल आएगा, तो जो मुल्क का है ना, पूरे पाकिस्तान का, वो तकरीबन कल पता चलेगा या शायद कल शाम को पता चले। चले देखते हैं ऊपर का सीन, वार्ड में जाते हैं तो आपको सीन चेक कराते हैं कि आवाम आ रही है, क्या सीन बनता है। A few moments later, मजार पहुंच चुके हैं, जो मेन मरकज है जी हमारे जो सदर शाह का, वो ये जगह है, इधर आवाम आ रही है, वोट शूट आ रही है, बस मजा आ रहा है, जा रही है जी वोटिंग, जा रही है, देखते हैं शेर जीतता है या मतलब, क्योंकि असल मुकाबला इन दो दरमियान में ही है, जो सबसे ना ज़बरदस्त मुकाबला है शेर और बल्ले के दरमियान में। बाकी ये जो तीर है और पतनी बाजा तो पता नहीं क्या तो क्या है इन्होंने बीच में, वो उसके बारे में हम नहीं कुछ कहते, क्योंकि हर किसी का अपना इंतखाबी निशान है। बात तो सही है। तो बहर चलो आप चेक कर लो, ये हाई स्कूल है जी, आर्मी शार्मी आना, ओए 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 ओए, बड़ी सख्ती हुई भी है माशाल्लाह जी, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं जी जो सदन शाह वालों को, भाई हिफाजत आप वोट डालें यार, बहुत रश है, आवाम वोटिंग डाल रही है, जा रही है जी सबकी वोटिंग। रिजल्ट आपको इंशाल्लाह रात को मिलेगा, वो भी हमारे 64 शाम में काउंटिंग होगी, तो फिर पता चलेगा भी कौन जीते हैं कौन आ रहा है इंशाल्लाह, उसके लिए आप वेट करें। बाकी आपको सीन चेक कराते हैं, आज इन्होंने भी वोट डालना है, आए आए आपने नहीं डाला, चुप कर बे कुत्ते, आपको दिखा रहा हूँ जी जहाँ जहाँ ये कैंपिंग हो रही है ना वोटिंग की सबकी, आए शेरा ले लें। तो एक बात मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे भाइयों सब के साथ हूँ, ठीक है, कोई मेरा जाती किसी के साथ भी लिंक नहीं है, ना शेर के साथ, ना इसके पल्ले के साथ, किसी के साथ, मैं सब के साथ हूँ। मैं आपको ये पहले पिछले व्लॉग में बताया था वो जलसे वाले में, तो इस बार फिर बता रहा हूँ, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह पाक देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बाकी इंशाल्लाह आपको चेक कराते हैं, आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करते हैं वोटिंग के लिए, क्योंकि मैं तो अभी इस काम में पढ़ा हूँ, ऐसे शौकी ही पढ़ा हूँ, ठीक है, मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, लेकिन फिर भी चले आपको चेक कराते हैं। A few inches later, मेरे भाइयों डिग्री कॉलेज के पास पहुँचे हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा कॉलेज है जो सदन शाह में, इसको भी एक मरकज बनाया गया है वोटिंग के लिए। ये है जी वो कॉलेज, आपको चेक कराता हूँ, ये सामने कॉलेज है, इसको वोटिंग के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि कॉलेज ही होते हैं जिनमें वोटिंग शॉटिंग करते हैं। बाकी ये चेक करें, रश काफ़ी है इधर भी माशाल्लाह, ये चेक करें, सही है जी, इधर भी वोटिंग चालू है, ठीक हो गया, आवाम इंटरेस्ट ले रही है इस काम में। मैंने तो सोचा था, क्योंकि मैं जब सुबह उठा हूँ ना, मैंने सोचा यार कोई नहीं पैदा, क्या पता आवाम आई ना इसको इतना, वी या अल्लाह माफी, बहुत रश है यार, ठीक है, मैंने सुबह सोचा था भाई आवाम नहीं इतना इंटरेस्ट लेगी इस काम में, लेकिन देखें पूरे पाकिस्तान में आज छुट्टी है और सिर्फ वोटिंग का काम चालू हुआ, और कुछ भी नहीं, ठीक हो गया, काफ़ी रश है भाई, पास चौक सही हो गया, रश आप चेक कर सकते हैं। मेरे भाइयों एक जो कॉलेज है ये सिलेक्ट की है, इधर कभी आपको सीन चेक कराते हैं, ये मॉल चेक कर लें, इधर भी काफ़ी रश है, एक कॉलेज ये भी सिलेक्ट किया गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, गाड़ी हम नीचे पार्क करते हैं ताकि आगे लेके जाने की ज़रूरत तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रश बहुत है इस वजह से। बड़े हम देखो वोटिंग शोटिंग जा रही है, चेक करो जी माशाल्लाह, इधर वोटिंग शोटिंग जा रही है, आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी हमने भी काम किया, आपने भी चेक किया होगा, लिस्ट शिस्ट बना के दे रहे हैं, वो मोमन साहब आ गए हैं जी, माल्टी शाल्टे ले गए, इनसे अब लेते हैं कुछ चीज़ें, ये आप चेक करें वोटिंग शोटिंग जा रही है अभी तक, तो चेक करते हैं क्या सीन बनता है। करें मलिक तनवीर सुनते थे, सब तशरीफ ले आए हैं इलेक्शन के लिए, आज 8 फरवरी है,
मतलब तमीर समझते साहब आ रहे हमको बात आज छोटे अभी सारे कॉलेज और बना के जितने जेट कर लो आई कॉलेज बुला अपना वो थकी थी ना वो भाग पे जीत गए ओए सवारी आ गई लाल भाई अदी जा 203 की बना चकवाल मलिक मुश्तबा साहब माशाल्लाह गाइस दरवाज़ा बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, वोट का टाइम ख़त्म हो रहा है। अवाम अभी भी आप चेक कर सकते हैं जी, ठीक है, अवाम अभी भी आप चेक कर सकते हैं, धड़ा धड़ ठीक है जी। लाइव अपडेट देंगे साथ में, ठीक है जी। मेरे भाइयों अभी तो रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, कुछ सीन नहीं हमें पता चल रहा, तो जैसी कोई लाइव अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। अभी वैसे हम घूमने आए हैं कटास, कुछ खाएं पिएंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको जैसे कोई लाइव अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी आपको रिजल्ट तो हम ऐसे इधर उधर से पता कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे कोई लाइव अपडेट आएगी तो तकरीबन रिजल्ट तो कल ही आएगा, ठीक है, और कल आपको इंशाल्लाह रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। अभी हम भी जा रहे हैं घर, आप भी सो जाएं और हम भी सो जाएं। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं, पूरे 24 शाम में हम रिजल्ट पता कर रहे हैं जी, कौन जीता है कौन आ रहा है। फिर आपको मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, हम सब के साथ हैं, चाहे शेर जीते बल्ला जीते जो भी जीते हम सब के साथ हैं, ठीक है जी। आप भी अभी आराम करें, इंशाल्लाह अगले दिन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक हो गया। तो फाइनली गाइस आपको पूरे एक दिन के बाद मैं मिला हूँ जी। पिछला व्लॉग भी हमने कल रात को तकरीबन इशा का टाइम था उस टाइम, तो रिज़ल्ट सारे पूरे 24 इशा से भी हम पूछ रहे थे, लेकिन उस टाइम भी कोई ख़ास रिज़ल्ट हमें सामने नहीं नज़र आया, तो अभी भी न्यूज़ चल रही है साथ साथ ही। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल अयाज अमीर जो की आजाद उम्मीदवार है वो 1,02,537 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, मगर इस हल्के से हार गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से। बिल्कुल, उन्होंने एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, 1,15,974 वोट के साथ वो आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अयाज अमीर 1,02,537 वोट्स लेकर वो हार गए हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से। ये NA 58 चकवाल का नतीजा है भाई, बहुत ही सख्त मुकाबला हो रहा है शेर और बल्ले का। आपको वैसे भी पता है नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान बहुत ही सख्त और मजेदार किस्म का टाकरा चल रहा है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई नया रिज़ल्ट आएगा, कल भी जो रिज़ल्ट था ना उसमें भी सुस्ती दिखाई है पाकिस्तान वालों ने, आज भी सुस्ती दिखा रहे हैं, कोई ख़ास रिज़ल्ट अभी सामने नहीं आया। 266 पोजीशन है टोटल, जिसमें से 160 पोजीशन का रिज़ल्ट अभी सामने आया है, और उनमें भी ना नून लीग कभी ऊपर जा रही है बल्ला नीचे आ रहा है, पीपल पार्टी ऊपर जा रही है और तीर नीचे आ रहा है, फिर बिलावल भुट्टो और वो हर किस्म का तकरीबन ना ऐसे लेवल में नहीं है, कोई ऊपर जा रहा कोई नीचे जा रहा, कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरी डिटेल से रिज़ल्ट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप भी अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, शेर नून लीग वालों का और बल्ला जो कि इमरान खान, बहुत ही सख्त मुकाबला चल रहा है अभी पूरे पाकिस्तान में, गिनती उनकी जारी है, अभी कोई ख़ास रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग का कीजिएगा बेसब्री से इंतज़ार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर दबाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही बस, ओके अल्लाह हाफिज़।